संविधान में समानता का अधिकार है, लेकिन भारत में संविधान का मजाक जबरदस्त तरीके से उड़ाया जाता है। जैसे दीपावली के अवसर पे आप उत्तर प्रदेश में आतिशबाजी कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं कर सकते। 17 लाख दियों को जो है यहाँ पे जलाया गया है, तो 17 लाख लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए। तो सरकार थोड़ा सा रोजगार पे भी ध्यान, जब गलत करते हैं तो भी हम लोग दिखाते हैं, लेकिन त्योहारों के समय में जब ये लोग हमारे लिए खड़े हो जाते हैं तब हमें भी इन लोगों को जय हिंद कहने का मन करता है। आपके घर के बगल में कोई भी आर्मी के जवान का घर हो या पुलिस वाले का घर हो, उसके घर पे कम से कम 250 ग्राम ही मिठाई लेकर जरूर जाएं। जो लोग राष्ट्रवादी हैं वो कम से कम चाइनीज मोबाइलों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चीन हमारा दुश्मन। अपनी बीवी को त्यौहार के समय में भूल गया है, कोई अपने बच्चे को त्यौहार के समय में भूल गया है, कोई अपने पूरे परिवार को, माता पिता को त्यौहार के समय में भूल गया है। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग आज ड्यूटी पे हैं तो हम लोग आज सुरक्षित तरीके से आतिशबाजी भी कर रहे हैं, मोदी जी के भाषण का आनंद भी, मोदी जी के रैली को शांतिपूर्वक संपन्न कराने वाले उत्तर प्रदेश के पुलिस के लिए एक बार आप लोग ताली बजाइए। दीपोत्सव के अवसर पे एक अनोखा रिकॉर्ड बन चुका है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है वो हमारे भारत में आ चुका है। भारत नहीं, उत्तर प्रदेश में आ चुका है, उत्तर प्रदेश नहीं, अयोध्या में आ चुका है। पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया है और ज़बरदस्त आतिशबाजी की जा रही है। संविधान में समानता का अधिकार है, लेकिन भारत में संविधान का मजाक जबरदस्त तरीके से उड़ाया जाता है। जैसे दीपावली के अवसर पे आप उत्तर प्रदेश में आतिशबाजी कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं कर सकते हैं। दीपावली के समय में जो है प्रदूषण का रोना जो है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री शुरू कर देते हैं, जबकि दिल्ली में प्रदूषण सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से है तो उसके पीछे वहाँ पे अवैध जो गाड़ियाँ हैं वो, और 6000 से ज़्यादा अवैध कंपनियाँ जो NCR रीजन में चल रहा है, जो नेताओं के साठ गांठ के वजह से चल रहा है, उसके वजह से प्रदूषण फैलता है। हालांकि दीपावली के दिन भी प्रदूषण फैलता है, ये बात मैं मानता हूँ क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन अगर प्रतिबंध लगाना है तो इसे हमेशा के लिए लगा दिया जाए। जब बड़े बड़े लोगों के घरों पे शादियाँ होती है उस समय जो है पटाखों पे किसी भी प्रकार का बैन नहीं लगता है, और जब भी जो है दीपावली आता है तो बहुत सारे राज्यों में पटाखों पर बैन लगाया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक और कड़वा सवाल मैं वर्तमान सरकार से जो केंद्र में है उनसे करने जा रहा हूं। दीपावली के अवसर पर एक जबरदस्त रिकॉर्ड बना है, लगभग 17 लाख दियों को जो है यहां पे जलाया गया है, तो 17 लाख लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए। तो सरकार थोड़ा सा रोजगार पे भी ध्यान दे। हालांकि अयोध्या में जिस प्रकार से विकास हुआ है वो काबिले तारीफ विकास है और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और हर साल दीपोत्सव जैसा कार्यक्रम जो है हर जिला के हेडक्वार्टर में होना चाहिए, ये बात का मैं पक्षधर हूँ। लेकिन हर जिला में, देश के हर एक राज्य में और देश के हर एक कोने में युवाओं को रोजगार भी मिलना चाहिए, और इसका भी प्रयास सरकार को करना चाहिए। राम राज की कल्पना तभी साकार हो पाएगी जब राम राज के समय में, उस समय जो है सभी लोग सुखी थे, संपन्न थे, सभी लोग खुशहाल थे। वैसे ही आज के समय में देश की सबसे बड़ी समस्या जो है वो महंगाई है, भ्रष्टाचार है और रोजगार है। अगर इसमें से किसी पे भी सरकार जो है ईमानदारी पूर्वक काम करे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 50 से 60% कंट्रोल कर दिया जाएगा। जैसे 50 से 60% लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, 50 से 60% महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके अलावा जो है करप्शन को भी खत्म किया जा सकता है, 100% नहीं लेकिन 50 से 60%। तो उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। बाकी एक ज़बरदस्त आतिशबाजी जो है मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, और यहाँ पे जितने भी राम भक्त हैं वो सभी के सभी लोग जो है आनंद में हैं, उत्साह में हैं, उमंग में हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले हैं जिनकी छुट्टियां रद्द हो चुकी है, और इन लोगों के वजह से जो है हम लोग दीपोत्सव का आनंद यहाँ पे उठा रहे हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद जो है हम लोग नहीं होते, और ये लोग अपने परिवार को छोड़ देते हैं। 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक शायद से इन लोगों की छुट्टियाँ जो है वो रद्द हो चुकी है, और पुलिस वाले जब गलत करते हैं तो भी हम लोग दिखाते हैं, लेकिन त्योहारों के समय में जब ये लोग हमारे लिए खड़े हो जाते हैं तब हमें भी इन लोगों को जय हिंद कहने का मन करता है। और अगर ये लोग हैं, सच्चाई ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन है, लेकिन हम हर बार इनको करप्ट करप्ट कह के करप्शन दूर नहीं कर सकते हैं, सही है कि नहीं है? कभी कभी जय हिंद भी कहेंगे तो ये लोग शायद, सही है कि नहीं है? तो अगर
आज के समय में अगर आप लोग दीपावली मना रहे, होली मना रहे या किसी भी प्रकार का त्यौहार मना रहे हैं, तो आप एक काम जरूर करें। आप उत्साह और उमंग के साथ अपना त्यौहार मना पा रहे हैं तो आपके घर के बगल में कोई भी आर्मी के जवान का घर हो या पुलिस वाले का घर हो, उसके घर पे कम से कम 250 ग्राम ही मिठाई लेकर जरूर जाएं, जरूर जाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा में रह के कोई भी काम करते थे। उसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है राष्ट्रवादी थे, सही है कि नहीं है? सही है। तो जितने भी लोग राष्ट्रवादी हैं वो कम से कम चाइनीज मोबाइलों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चीन हमारा दुश्मन है। साथ ही साथ जो है आप लोग जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखेंगे, कम से कम 250 ग्राम मिठाई हर त्यौहार के अवसर पे हमारे देश के जवानों के घर पे और हमारे देश के पुलिस वालों के घर पे परिवार वालों को जरूर देना, सही है कि नहीं है? सही है सर, सही है सर, सही है। और अभी जो है मैं इन लोगों के चेहरे पे जो स्माइल देख रहा हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जब पुलिस डिपार्टमेंट या कहीं ट्रैफिक पुलिस या कहीं भी किसी भी प्रकार का करप्शन होता है तो उसे भी हम मीडिया वाले दिखाते हैं, तो कभी इनके दर्द को भी दिखाने का प्रयास करें। कोई अपनी बीवी को त्यौहार के समय में भूल गया है, कोई अपने बच्चे को त्यौहार के समय में भूल गया है, कोई अपने पूरे परिवार को, माता पिता को त्यौहार के समय में भूल गया है। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग आज ड्यूटी पे हैं तो हम लोग आज सुरक्षित तरीके से आतिशबाजी भी कर रहे हैं, मोदी जी के भाषण का आनंद भी ले रहे हैं, सही है कि नहीं है? और यहाँ पे ताली भी बजा रहे हैं। तो एक बार मैं इन सभी से कहूँगा कि मोदी जी के रैली को शांतिपूर्वक संपन्न कराने वाले उत्तर प्रदेश के पुलिस के लिए एक बार आप लोग ताली बजाइए सभी लोग। और बस आखिरी में, इस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, सीने में सिर्फ और सिर्फ भारत धड़कता है, इसलिए एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद। धन्यवाद, थैंक यू सर, धन्यवाद भाई।